गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो किस किस बेसिस पे हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सबसे मेन है इसमें वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे हम लोग इनका डिविजन करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम है इसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर में सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब ये होता है कि कोई उसमें टिश्यू या ऑर्गन या सिस्टम मतलब डेवलप नहीं है, वो एक तरह से एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। पूरी बॉडी जो है वो सेल्स का एक ग्रुप जैसा है और उसमें लो लेवल ऑफ डिविजन होता है, लो डिविजन ऑफ लेबर हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पांसिबल होती हैं, लेकिन यहाँ कोई टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें कि बहुत सारी सेल्स हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन कर रही हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसको समझेंगे कि कैसे इसमें सेलुलर लेवल होता है। उसके बाद इनमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है। तो हम सबसे पहले टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम को समझते हैं। तो जब सेलुलर लेवल का मतलब एग्रीगेट ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल हो गया और अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को कर रही हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा सेल्स या मोर देन वन सेल स्ट्रक्चर में फंक्शन में और ओरिजिन में सेम होती है तो उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि उसमें अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शन को कर रहे हैं। तो वहां अलग अलग कोई सेल अलग अलग अपना फंक्शन ना करके ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन करती हैं, यानी कि इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो कैसा हुआ, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बना लेते हैं तो फिर वो ऑर्गन सिस्टम हो गया। फिर कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। जैसे हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। हमारे अंदर जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कई सारे सिस्टम हैं और ऑर्गन्स भी हैं हमारे में बहुत सारे। तो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग लेवल पे आप देखेंगे कि सबसे पहले सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये आप जब आगे इसमें स्टडी करते जाएंगे तो आपको लेवल यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। ये एक डेवलपमेंटल स्टेज को दिखाता है कि किस लेवल तक किस फाइलम में डेवलपमेंट हुआ या किस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सेलुलर लेवल पे आपने देखा कि पोरीफेरा होता है, इनमें जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल मतलब अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को दो हिस्से में करें जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था तो वो अनइक्वल डिवीजन होगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो इसमें जो बॉडी कैविटी कैसी होती है, इसमें कोई बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं होता, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट्स। और ये पोरीफेरा में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा सिमेट्री, ऐसा बॉडी कैविटी मिलती है। तो पोरीफेरा में आपने देखा क्या मिलता है, सेलुलर लेवल, एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे सेलुलर लेवल के अलावा क्या सिस्टम हो सकता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी दो डिवीजन किया गया है, एक रेडियल है एक बायलेटरल। ये सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब आप जानते हैं कि इंडिविजुअल को हम किसी भी कट उसमें प्लेन में कट करें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और रेडियल सिमेट्री किसमें मिलती है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। जो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया और टीनोफोरा, इन दोनों में ये रेडियल सिमेट्री मिलती है। ये भी इंडिविजुअल जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इसमें ट्रू सिलोम या सिलोम नहीं होती है। इसके ऊपर वाले में पोरीफेरा में भी सिलोम नहीं होता है। फिर बायलेटरल सिमेट्री जैसा हमने बताया था कि सिर्फ टू हाफ में इनको डिवाइड किया जाता है लेकिन सिर्फ एक प्लेन में, है ना। तो बायलेटरल में ऐसे हम सिर्फ डिवाइड करें तो राइट एंड लेफ्ट में हम इसको किसी भी इंडिविजुअल को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी सिमेट्री को हम लोग बायलेटरल बोलते हैं। तो इसमें भी थ्री टाइप्स हैं, विदाउट बॉडी कैविटी, अगर जिसमें कि बॉडी कैविटी है ही नहीं तो वो एसिलोमेट हुए। तो जैसे एग्जांपल के लिए प्लेटी हेलमिंथेस, तो इसमें कौन सा फाइलम आएगा, विदाउट बॉडी कैविटी यानी कि बायलेटरल और एसिलोमेट, ये होगा प्लेटी हेलमिंथेस में। इसके बाद बायलेटरल और स्यूडो सिलोम, सिलोम तो है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है, स्यूडो सिलोम है, ऐसा मिलता है एसके हेलमिंथेस में। फिर बाकी जितने इंडिविजुअल हैं उसके आगे के एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्म्स,
हेमी कार्डेटा और कार्डेटा, इन सब में ट्रू सिलोम होती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं सिलोमेट्स। तो इस तरह से आपने देखा पूरा एक जनरल क्लासिफिकेशन आपने देखा एनिमल किंगडम का। पहले हमने यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। इसके बाद फिर आप यहाँ पे सिमेट्री के हिसाब से देखते हैं, फिर बॉडी कैविटी के हिसाब से, फिर फाइलम कौन कौन से आते हैं, ये पूरा आपके बुक में भी क्लासिफिकेशन देख दिया हुआ है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। और जब हम आगे डिटेल में जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे टिश्यू लेवल है, कहाँ पे ऑर्गन लेवल है, कहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये सब हम